दोस्तों ये है एक लाइव स्ट्रो जो कि यूज आती है गंदे पानी को साफ करने के लिए। हमने इसको आपको यूज करके भी दिखाया है, एकदम गंदा जो कीचड़ था उसके पानी को भी इसने क्लीन कर दिया, पीने लायक बना दिया। और साथ ही साथ में इससे जो पानी निकलता है वो यार पानी के जो यूएस स्टैंडर्ड है उसको भी मैच करता है, यानी कि काफी ज्यादा प्योर, काफी ज्यादा पीने लायक पानी ये दे देता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ को डिफरेंट किया जाए और इसमें टेस्ट किया जाए पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स को। अगर हम इसमें कोल्ड ड्रिंक्स डाल दें, यानी कि कोका कोला डाल दें साफ साफ शब्दों में, तो क्या होगा? फिल्टर होके कुछ आएगा, नहीं आएगा? वो आएगा तो कैसा आएगा? तो आज यही देखते हैं। कोका कोला है, मिरिंडा है, तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। एकदम यूनिक सा आइडिया है भाई, लाइक बनता है इस चीज के लिए। गाइज अननोन नंबर से मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ, कई कई बार तो बहुत दिमाग भी खराब हो जाता है, लेकिन आज मेरे पास में इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है गेट कॉन्टैक्ट ऐप, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन हमको कॉल कर रहा है, साथ ही साथ में हमारा जो नंबर है वो सामने वाले के फ़ोन में किस नाम से सेव है इस चीज़ का भी पता लग सकता है। जैसे कि मेरा नाम भाई काफ़ी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सेव कर रखा है क्रेजी एक्स वाई जी, अमित क्रेजी एक्स वाई जी यूट्यूब, क्रेजी एक्स वाई जी यूट्यूब, कुछ ऐसे करके। और भाई साथ ही साथ में जो स्पैम कॉल्स होते हैं या फिर जो अननोन नंबर के आपको परेशान करने वाले कॉल्स होते हैं उनको ये ब्लॉक भी कर सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से गेट कॉन्टैक्ट ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और इस सारे झंझट को खत्म कीजिए। दोस्तों ये जो लाइव स्ट्रो है इसको चलने के लिए कोई बिजली वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, अभी तक मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन मेरा अनुमान है कि अंदर फिल्टर्स होंगे या कोई केमिकल्स होंगे जो कि पानी को भी साफ करते हैं, बैक्टीरियाज को भी मारते हैं, पीने लायक बनाते हैं। तो यहाँ पर है इसका ओपनिंग, देखो ऊपर यहाँ पर जो हमको पानी डालना होता है गंदा वाला। तो अब हम जो है इसमें गंदा पानी ना डाल करके सीधा कोल्ड ड्रिंक पे आते हैं। मैं खोलता हूँ फटाक से कोका कोला की बॉटल और ये खुल गया ढक्कन और भाई इसमें डालते हैं कोका कोला। और यार लाइफ स्ट्रो को क्या क्या देखना पड़ रहा है। एक बोतल डाल दी लेकिन यार अभी तो लेवल बहुत ही, देखो यहाँ तक ही आया, दिख रहा होगा इसमें हल्का हल्का, तो दूसरी बोतल भी डालते हैं भाई। तो भाई यहां पर हमने कर दिया है इस लाइफ स्ट्रो को कोका कोला से लोड, इसके अंदर 4 लीटर से ज्यादा कोका कोला हम डाल चुके हैं। तो अब जो है थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि नीचे रिजल्ट के रूप में क्या आता है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि भाई क्या होगा आखिरकार, ये जो है किस लेवल तक इसको प्योरीफाई कर पाएगा या इवन जो कोक है वो नीचे जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो भाई कोका कोला ने फिल्टर होने में काफी टाइम ले लिया, हमने इसको रात भर के लिए छोड़ दिया जब ये ज्यादा टाइम लेने लग गया, और अब जो है जाकर के सारी कोका कोला नीचे जा चुकी है। मेरे अंदाजे से इसने लगभग 2 या 2.5 घंटे का टाइम लिया होगा मैक्सिमम नीचे जाने में। तो अब बारी है देखने की कि क्या हुआ है आखिरकार, नीचे जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है। तो भाई एक गिलास में इसको निकाल लेते हैं, आपको क्लोज में दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप लोग देखना, ये आ गई भाई फिल्टर्ड कोका कोला जो कि हमने निकाली है लाइव स्ट्रो में फिल्टर करके। और यहां पर भाई साहब यार एकदम डिफरेंट बन गई ये कोका कोला का जो नेचुरल कलर है वो तो इसमें है नो डाउट, लेकिन वो जो कलर है काफी कम हो गया और साथ ही साथ में इसमें रेड कलर की मात्रा बढ़ गई। आप खुद ही देखो है ना, थोड़ा हुआ है ना, मैं आपको नेचुरल से कंपेयर करके दिखाता हूं। तो भाई यहां पर आप लोग देखो इन दोनों में से कौन सी वाली है फिल्टर्ड, फिल्टर्ड ये वाली है, और ये वाली जो है नेचुरल कोका कोला है। मैं इसके आर पार थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ लेकिन ये एकदम काली है, तो इसका कलर वास्तव में काफ़ी बदला है, लेकिन फिर भी एकदम क्लीन तो कहीं से भी नहीं हुआ है। तो अब इनको टेस्ट करके देखते हैं, इसको बाद में टेस्ट करेंगे नेचुरल वाले को, पहले फिल्टर्ड वाले को टेस्ट करते हैं। और मैं मुझे कुछ नहीं पता कैसा मीठा होगा फीका होगा, आपके सामने होगा। यार इसका टेस्ट अजीब सा हो गया, बिल्कुल अजीब सा टेस्ट हो गया, मीठा तो है पर वो अजीब मीठा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत जरूरी इसमें से निकाल लिया और इसलिए इसका जो टेस्ट है वो अच्छा ना लग के गंदे साइड में लग रहा है। नहीं इससे ज्यादा मैं नहीं पी सकता। ये एकदम नेचुरल है लेकिन जो फिल्टर्ड है
वो फीका फीका लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से कुछ बहुत जरूरी चीजें खींच करके बाहर निकाल ली और वो एकदम वो वाला टिंट नहीं आ रहा। तो भाई साहब कुछ ऐसा होता है कोका कोला को फिल्टर करने पर लाइफ शो में। अब बारी है मिरिंडा की, और भाई मिरिंडा डालने से पहले आपको इसका चैम्बर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देखो कि जो कोका कोला है वो फिल्टर हो चुकी है, थोड़ी सी फीकी हो गई है, तो मिरिंडा डालते हैं फटाक से। अब ये गई भाई मिरिंडा हमारी लाइफ स्ट्रो में, और यहां पर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऑरेंज कलर किस तरीके से बदलता है या सेम रहता है। तो भाई लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और जो मिरिंडा है वो काफी हद तक फिल्टर हो चुकी है, आधी के अराउंड हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि हम इसको बाहर निकाल पाएंगे। देखो यहां पर दिख रही है टैप के लेवल में आ गई होगी, तो यहां पर निकालते हैं मिरिंडा को। नहीं आ रही क्या बाहर? इसको थोड़ा झुका लेते हैं। हाँ अब आ गई बाहर, और भाई यहां पर भी डेफिनेटली एक कलर चेंज देखने को मिला है। ये मिरिंडा कैसी हो गई? ऐसा लग रहा है कि रेड कलर हमने पानी के अंदर मिला दिया, ऑरेंज गायब हो गया और रेडिश आ गया, वो भी हल्का सा रेड। अगर मैं आपको इसको नॉर्मल मिरिंडा से कंपेयर करके दिखाऊं तो भाई ये है नॉर्मल मिरिंडा, ये है फिल्टर्ड मिरिंडा, और यहाँ पर मुझे लगता है पता है क्या हुआ, हमने पहले कोका कोला को फिल्टर किया था, उसके बाद इसको साफ भी किया एकदम, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत कोका कोला फिल्टर्स में अटकी रह गई और उसकी वजह से इसका ऑरेंज टिंट तो कम हुआ है लेकिन कोका कोला का कलर इसमें आ गया। लेकिन फिर भी ये काफ़ी हल्का रेड जैसा है। अब इसको टेस्ट करने की बारी है, पहले ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल को बाद में करेंगे नहीं तो पता लग जाएगा, तो पहले इसको करता हूँ मैं जो फिल्टर हुआ है। यार इसका टेस्ट सही है, इसका टेस्ट बताऊं कैसा है, जो मिरिंडा है ऐसा लग रहा है कि मिरिंडा में से हमने थोड़ा सा मीठा निकाल लिया और थोड़ी सी वही चीज़ें कुछ मतलब ऐसी चीज़ें निकाल ली, थोड़ा फीकापन भी आ रहा है लेकिन साथ में मीठा भी है, जो फ्लेवर है ना बेसिकली वो हमने इसमें से निकाल लिया काफ़ी हद तक, ऐसा टेस्ट आ रहा है। और नॉर्मल अगर टेस्ट करूँ तो इसको पीने में तो मज़ा आ जाता है। तो भाई साहब आप लोगों ने देखा कि क्या होता है जब हम कोल्ड ड्रिंक को फिल्टर करने की कोशिश करते हैं लाइफ स्ट्रॉ की मदद से। भाई ये जो मशीन है इस काम नहीं आती, इस मशीन का काम है, क्या काम है इसका, इसका काम है पानी को फिल्टर करना, गंदे पानी से पीने लायक पानी देना, जिसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। इस मशीन के लिए लाइक तो जरूर से बनता है यार। कोल्ड ड्रिंक हमने टेस्ट किया था कि क्या होगा फिल्टर करके, और उसके भी रिजल्ट काफी मजेदार आए हैं। कोल्ड ड्रिंक का मीठापन कम हो रहा है, फ्लेवर कम हो रहा है, लेकिन एकदम क्लीन तो नहीं मिल रही। तो आज के लिए इतना ही, नीचे जो लाइक का बटन है वीडियो के लिए वो दबाना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियोज के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।